हेलो फ्रेंड्स, अनुपम आइडियाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुपम आइडियाज़। मैं हूं आपके दोस्त अनुपम। आज हम आपके साथ करवा चौथ से जुड़ी जानकारी शेयर कर रहे हैं कि करवा चौथ की पूजा करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल विधि हम आपके साथ शेयर करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में कि करवा चौथ की पूजा कैसे करते हैं और उसके किस तरीके से उसकी तैयारी करते हैं, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, करवा चौथ की पूजा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है करवा, जिसको जिसको पूजा जाता है, जिसके द्वारा पूजा की जाती है। तो दोस्तों, हम दिखा रहे हैं आपके साथ ये करवा। दोस्तों, इस तरीके से ये करवा होता है। ये करवा धातु का होता है या किसी किसी के घर में मिट्टी का भी होता है। कुछ लोग लोटा होता है तो उसका भी बनाते हैं। वैसे हमारे घर में मिट्टी का करवा नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ये पीतल का करवा है और उस पर ये ढक्कन होता है। इस पर ढकने के लिए इस करवे को तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है वो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो अगर अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको दो करवे की आवश्यकता होती है। एक करवा आप धातु का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, और दूसरा करवा आपको अगर मिट्टी का लेना चाहते हैं तो दूसरा करवा ले सकते हैं मिट्टी का, या फिर घर में आपके जो भी बर्तन लोटा कुछ भी है आप उसका दूसरा करवा बना सकते हैं। लेकिन ये तभी आपको दो करवे की ज़रूरत पड़ेगी जब आप अकेले पूजा करते हैं। एक करवा अपने लिए बनाया जाता है और दूसरा करवा गौरी माता के लिए बनाया जाता है। लेकिन अगर आप अकेले पूजा नहीं कर रहे हैं, अगर आपके साथ घर में कोई भी है, आपकी भाभी है, ननद है, या आपकी देवरानी है, जेठानी, जो भी है, तो आपको दो करवे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लिए सिंगल करवा ही बनाना है। वो चाहे धातु का करवा हो, चाहे लोटे पे बनाए, चाहे आप मिट्टी का करवा लें, आज जिसके घर में जैसा करवा बनाया जाता है आप उस हिसाब से करवा ले सकते हैं। तो सबसे पहले करवे की ज़रूरत पड़ती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे घर में जैसे जिस इस करवे से हम पूजा करते हैं वही करवा हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये करवा हो गया उसके लिए। और उसके बाद ये सीख आपने देखी होगी, एक तरीके की लकड़ी होती है, ये सीके होती हैं, ये इनको ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। हमारे घर में तो इस्तेमाल किया जाता है, हमें नहीं पता, तो हम आपको दिखा रहे हैं जिसके घर में जैसे पूजा होती है। लेकिन इन सीखों का इस्तेमाल होता है, ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। जब करवा चौथ की पूजा का टाइम होता है तो एक दो दिन पहले बिकनी शुरू हो जाती हैं। ये सीके होती हैं, ये इनकी संख्या 7 होती है ये। लेकिन अगर आपको वही अब आपको बताया था कि अगर आपको सिंगल करवा बनाना है तो आपको सिर्फ सिंगल 7 सीके लेनी है। अगर आपको दो करवे बनाने तो 7 7 2, मतलब 14 7 एक तरफ, 7 एक तरफ, 2 जोड़े में आपको सीके लेनी है। इन सीकों के अलावा आपको एक चलनी की आवश्यकता होती है, जिससे हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। सबसे पहले चंद्रमा को इसे देखा जाता है, क्योंकि कहते हैं चौथ का चंद्रमा डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, चतुर्दशी का चंद्रमा वो शापित होता है। तो सबसे पहले जब हम लोग पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, आरती उतारते हैं, तो सबसे पहले करवा को इसी चंद्रमा से देखा जाता है। ये चलनी हमारे घर में तो सिंपल रखी थी, वही हम आपको दिखा रहे हैं सबूत के लिए। लेकिन कुछ लोग मार्केट में डेकोरेटेड मिलती है, आप उसको डेकोरेशन भी कर सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं पूजा के लिए। ये तीन चीज़ें तो मेन होती हैं। और इसमें आपको बताएंगे ये जो सीके होती हैं किसी के घर में कैसे लगाते हैं। लेकिन हम जब पूजा करते हैं तो इस करवे के अंदर हमारे यहाँ पे चावल का जो आटा होता है, इसमें चावल, नए चावल का आटा तैयार किया जाता है, मार्केट में मिल जाता है। कुछ लोग खुद भी तैयार करते हैं, पिसाते हैं। तो चावल का आटा चाहिए होता है, नए चावल के चूड़े जो बाजार में आते हैं आपको करवा चौथ के समय मिलने लगते हैं, चावल का चूड़ा होता है, और मिठाई जैसे खोए की मिठाई, पेड़ा या बर्फी कुछ भी, और हमारे यहाँ तो पूड़ी बनती है। तो इस करवे के अंदर आपको सबसे पहले चावल का घोल बनाना, चावल का जो आटा है उसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसका आप घोल बना लीजिए, जैसे पेस्ट जैसे बनाते हैं। फिर आपको जब पूजा करना है तो उस दिन करवे को तैयार करना होता है। उस पेस्ट से आप उंगलियों से पूरे 5 जगह पूरे करवे पे इस तरीके से निशान बना लीजिए। सब तरफ से आपको लेप करना है, एक तरीके से लेप किया जाता है 5 टाइम 5 बार, और इसी तरीके से इस पे कटोरी पे भी किया जाता है। सब तरफ से आगे और पीछे कटोरी पर भी लेप किया जाता है, और उसके बाद इस पर भी लेप करना है। तो इस तरीके से हमारे दोनों करवे हमको तैयार करने होते हैं, या एक करवा तैयार करना होता है अगर आप दो लोगों के साथ पूजा कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर किसी के यहाँ चूड़ा रखते हैं या मिठाई रखते हैं, जो भी रखते हैं, या पानी रखते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने यहाँ जो रखते हैं, हमारे यहाँ इसके अंदर 4 चीज़ें चतुर्दशी के हिसाब से 4 चीज़ें रखी जाती हैं, 4 पूड़ी,
चार मिठाई के पीस, नया चूड़ा जो होता है वो डाला जाता है, और चावल के आटे की पिड़िया तैयार की जाती है। उसको कैसे तैयार करते हैं, वो आपको चावल का आटा लेना है, आप ले लीजिए थोड़ा सा चावल का आटा, और उसमें थोड़ी सी मिठाई या खोया मिला लीजिए, थोड़ा सा देसी घी मिला लीजिए, चीनी मिला लीजिए, और दूध से उसको अच्छे से गूंथ लीजिए, हल्का टाइट टाइट गूंथ लीजिए। और फिर आपको जैसे लड्डू नहीं बनाते हैं उस तरीके से, आपको आटे को लेकर इस तरीके से बनाना है, लेकिन गोल नहीं करना है उसको, इसी तरीके से सफरे वगैरह बनाते हैं इस तरीके से आपको बना लेना है। वो पिड़िया चार चार की, जो चार की संख्या में सारी चीज़ें चार की संख्या में ही इस करवे के अंदर रखी जाती, चार पिड़िया, चार मिठाई के पीस, चार पूड़ी और चूड़े, चूड़े को चार बार हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद ये करवा तैयार हो जाता है, और ये सीख जो है इस करवे में इस तरीके से हमारे यहाँ तो लगा देते हैं, और इसके ऊपर जो ढक्कन रहता है इसको खाली नहीं रखते हैं, इसमें भी चूड़ा और मिठाई रख देते हैं। तो इस तरीके से ये करवा पूरा तैयार हो जाता है पूजा के लिए। और जो सामग्री है, चूड़ा किसी के यहाँ चढ़ता है या नहीं चढ़ता है तो वो आप अपने हिसाब से तैयार कर सकता है, हम वो बता रहे हैं जैसे पूजा हम करते हैं हमारे पास क्या क्या सामग्री होती है। तो ये चीज़ें तो करवे के लिए होती हैं, और उसी तरीके से आपको पूजा के लिए रोली, अक्षत, टूटे हुए चावल जिनको कहते हैं, टूटे हुए चावल ना हो, अक्षत मतलब जो चावल साबित हो उनको अक्षत, और माँ को चढ़ाने के लिए सिंदूर होता है वो जरूरी होता है। कुछ लोग अपने यहाँ जैसे सुहाग की सारी सामग्री भी चढ़ाते हैं, जिसके यहाँ जैसे होता है वो सामग्री चढ़ाते हैं, या तो वो किसी को दान कर देते हैं या फिर वो अपने पास ही प्रसाद के रूप में रख लेते हैं। तो एक माता ये कैलेंडर होता है जिसको आप मार्केट में, अभी तो हमारे पास नहीं था तो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, वैसे मार्केट में आपको आसानी से करवा चौथ के एक दो दिन पहले मिलने लगता है, वो कैलेंडर होता है। उसमें सारे शंकर भगवान, गणेश भगवान, माता गौरी और पांच पांडव, सारी उसमें जो विधि के हिसाब से पूजा होती है वो सारी चीज़ें उसमें बनी रहती है। सबसे पहले हम लोग जो पूजा करते हैं तो उसपे कलश वगैरह बनाते हैं, नीचे चौक बनाते हैं, और नीचे हमारे यहाँ चंद्रमा बनाया जाता है, चावल के आटे का ही घोल के चंद्रमा बनाते हैं। चंद्रमा कैसे बनाते हैं ये आपको, आपको जैसे एक गोला बनाया और इसको 5 टाइम्स गोल गोल कर दिया, उसमें आंखें वगैरह बना दी और उसको ऐसे ऐसे किरणों की तरह सजा दिया, इस तरीके से जमीन पे चंद्रमा बनाया जाता है। कलश स्थापित किया जाता है, कलश के पास चावल या गेहूं डाला जाता है, उसके पास 5 गाय के गोबर के गोल गोल बना के रखे जाते हैं। तो सब सबसे पहले गणेश उसी कलश की पूजा होती है, कलश पे कलावा बांधा जाता है, दिया जलाया जाता है और कलश की पूजा होती है। फिर बाद में गणेश भगवान की, माता गौरी की और सारे भगवान की पूजा करके चंद्रमा की पूजा की जाती है, उसी पे रोली, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर वगैरह सब चढ़ाया जाता है, और जो नए चावल के चूड़े होते हैं जो हमने करवे में जो सारा सामान रखा होता है वो उसमें चढ़ाते हैं, और मिठाई वगैरह सब चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ पे यही सारी चीज़ें होती हैं कि करवा चौथ की पूजा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर आपके यहाँ किसी और तरीके से जैसे चौकी बिछाते हैं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाते हैं, उस पे गणेश भगवान को रखते हैं, शंकर भगवान को रखते हैं, और फल मिठाई समर्पित करते हैं, भोग प्रसाद लगाते हैं, पूजा करने के बाद आरती करते हैं, और आरती करने के बाद जो हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा को अर्घ देते हैं और पूजा की जाती है। पूजा की कैसे पूजा करना है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन हमने अभी आपके साथ ये शेयर किया कि पूजा के लिए हमें किन किन खास चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपने देखा कि करवा कौन किस तरीके का होता है, चलनी और सीख, रोली, अक्षत, सिंदूर, बिंदी और फल मिठाई जो भी आपके घर में चढ़ता है वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और बहुत ज़्यादा सामान इसमें नहीं होता। वैसे तो आप पूजा में कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें होती हैं, क्योंकि सिंदूर बहुत ज़रूरी होता है जो माँ गौरी को चढ़ता है, बाद में वो अपने मांग में भी लगाया जाता है। तो दोस्तों पूजा में कौन कौन सी खास सामग्री होती है ये जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो आगे शेयर करिएगा, और हमें लाइक करके ज़रूर सपोर्ट करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा हमारी जानकारी कैसे लगी, और नए नए यूजफुल आइडियाज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नए यूजफुल आइडिया हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।